हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द मुजाज व्लॉग्स। दोस्तों आज हम आए फिर से न्यू वीडियो के साथ। आपको पता ही है किंग खान मिस्टर शाहरुख खान, उनको हमारे इंडस्ट्री में हुए 30 इयर्स, ये बहुत बड़ी बात है कि 30 साल से वो हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसको आज सेलिब्रेशन करने के लिए हम उनका एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें उन्हीं के फैन ने बनाया है, निसार के स्क्वाड बोलते हैं, जिसका नाम है अमन एडिट्स। इसके पहले भी उन्होंने 29 ईयर जब हुए थे शाहरुख खान को, उस पर भी एक बेहतरीन वीडियो बनाया था। और ये 30 इयर्स होने के बाद इनका ट्रिब्यूट है वीडियो, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बॉलीवुड 70mm की दुनिया में आना और आकर छाना बहुत मुश्किल है। 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा के का डेथ का वो दशक था। थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी। हम साउथ इंडियन फिल्म्स का रीमेक कर रहे थे तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा। उसके बाद एंड ऑफ 80s जो शुरुआती दौर 90s का रहा पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ शाहरुख खान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडियाज फेवरेट स्टार, an unstoppable living legend and one of the finest and fascinating actors India's ever seen. He believes in a prayer that says Nasrun Minallahi Wastakahul Kareem, which is a prayer that simply says God keep victory close, and God knows nobody owns victory like he does. Actually itne saalon mein maine jo bhi kiya hai usme mera kuch bhi nahi, kyunki main jo bhi jahan bhi hu jis maqam pe bhi apne fans ki wajah se, agar mere fans nahi तो मैं कुछ भी। आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरा जो पहला घर था डीडीए कॉलोनी में। आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, लेकिन एक दो बातें बोलते थे, काम करो और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। आई रिमेम्बर उन्हें कैंसर था तो वो ठीक हो गए ऐसा कहा गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। माय मदर वोक मी अप एंड शी सेड पापा इज इन द हॉस्पिटल। उनके पैर मैंने देखे और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया। And he had passed away. 15 साल की उम्र था जब उनकी फौत हो गई। प्ले चल रहा है लेडी श्री राम कॉलेज में। मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता हूँ। बैरी जॉन वहाँ पे टीच कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे करते करते टेलीविजन आ गया, वो फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया। तो मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहा। उसके बाद एक और सीरियल वो दिल दरिया किया मैंने, उम्मीद वो किया और सर्कस के वो आठ चार। When I came to Mumbai to work, I had lost everything in my life. No place to live. मुझे किराए का घर लेना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे, so I remember Rajiv called me and gave me money for my किराया of my house. और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर। मैं जी तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। चल बाबा जा, इस भूलभुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ तो मुझे लगा यार मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं कहता हूँ नेगेटिव रोल करता। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। अगर नाम लूंगा तो वो आई लव यू किरण बदनाम हो जाएगी। मैं कभी नहीं हारता शिवानी। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल जीतने के बाद सुपरस्टार्स के दौर में सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले शाहरुख। मिस्टर शाहरुख खान, फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग एन अवार्ड, हमेशा अवार्ड इन फिल्म इंडस्ट्री, दिस वन फॉर यू भाई। वो दिल्ली से आया है, उसने टीवी किया है और टीवी करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। स्टार्स बहुत सारे हैं, इनके शाहरुख खान हैं। जो मॉल बनाया है उसमें हम अपनी छोटी दुकान चला रहे हैं। स्टैंडिंग ऑन मरीन ड्राइव एंड ही सेड यू नो वन डे
I'm going to rule the city. And he said, yeah. Is your competition also younger actors like Ranveer, Imran? I've not come here to compete. I've come here to rule. मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है. मतलब उनका नाम ही रोमांस है. प्यार दोस्ती है. मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारी ही आंखें. मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे. हजार बार मैं उस आग में कूद जाऊंगा जिसमें शांति आई ऐसी है जो बहुत खुश नसीब है जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है. मेरे नैना तेरे नैना मेरे नैना तेरे नैना. जारा से कितनी मोहब्बत करते. I love you very very much. बाबूजी ने कहा जब ने कहा पारो को छोड़ दो पारो ने कहा शराब. एक दिन आएगा जब वो कहा My only best friend. मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता इंडिया. मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता हूँ मरते दम तक प्यार करता हूँ. उसके बाद इनके सौ उसने उस जगह पे खड़े होकर दिखाया. I'll work so hard that I make sure that all of you get some smiles when you see my film. ये आज की बात नहीं शाहरुख. 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे तो मुझे ध्यान है उस समय आपने कहा था कि What is better is to say that you are the best, not bother about others. मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता. आप जैसे हैं वैसे हैं. आप बहुत ही बढ़िया हैं. आप ग्रेटेस्ट हैं. लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेहतर हूँ. अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है. Yeah, I'm a fan of Shahrukh. He's an excellent, excellent actor. Through his film work, he is known now as a global icon. Giant movie star. Perhaps the world's biggest movie star. Mega, mega global superstar. Forbes have called him one of the biggest movie stars in the world. The world's biggest movie star. One of the world's biggest movie star. Some people would say he is the biggest movie star in the world. The most popular movie film star in the world. Hollywood legend. Iconic people such as Shahrukh Khan. Go to the movies and applaud actors like Shahrukh Khan. तो दुनिया मानती है मैं. SRK's worst movie. Shahrukh Khan has been going through a rough patch in his career for the past couple of years, with his films failing to create magic at the box office. पहले जैसे अब शाहरुख खान अब बात नहीं हो रही. एज के साथ उनको भी रुक जाना चाहिए. हो गया उनका टाइम. एज आ गई है कंफर्म हो गया. सबका टाइम होता है. Whether the actor is taking a backseat, whether he will return, and more importantly, can he ever get back into his original groove like the mid-2000s? शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है. The Badshah Bollywood was spotted at Yashraj Studios. तीन सालों से शाहरुख खान खामोश रहे. इस खामोशी को काफी लोगों ने उनकी कमजोरी समझ लिया था.
if you throw me to the wolves, I'll come back leading the pack. मालूम है कब से कह रहा हूँ, आ रहा हूँ. And there was a lot of negativity. Some of the critics were very personal about my midlife crisis. I will do stuff which I want to, and I will do it all my life. And if you guys have a problem, I just want to tell them, go to hell. जल्दी मिलते हैं. ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा, आपसे ज्यादा कामयाब होगा. ऐसा होगा ना? I'll tell you honestly. हाँ, ऐसा बोल दो. बोलो ना. I'm the last of the stars. You're the last of the stars. आपने मन्नत को हकीकत बनाना सिखाया है, आपने लोगों को सपने पूरा करना सिखाया है, दुनिया को समझाया है. बॉलीवुड कई लोगों की पहचान है, आपने दुनिया में बॉलीवुड की पहचान बनकर दिखाया है. हर नाम नहीं जिसे लहरें मिटा दे, आप वो नाम है जो दिल में छपा है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता. इस दुनिया में आप जैसा दूसरा किंग कभी नहीं आ सकता. हाँ, तो दोस्तों देख लिया आपने वीडियो, बहुत ही खतरनाक ज़बरदस्त था और ये बहुत ही लंबा था, 11 मिनट का वीडियो है ये, जिसमें टोटल शाहरुख खान की जर्नी बताई है, टोटली शाहरुख खान की जर्नी है इसमें. और ये बहुत ही मज़ेदार है, उनके जो स्टार्टिंग से लेके अब तक की पूरी जर्नी है. और उनको अभी तक 30 साल हो गए, 30 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, इसलिए उनको बॉलीवुड किंग कहा जाता है. तो ये था हमारा रिएक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. इसमें बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें जो कि जिसमें मेरा कॉपीराइट होने वाला है, कटने वाली बहुत सारी चीज़ें, मज़ा आएगा. और उनके अभी 3 मूवी बैक टू बैक आने वाले अगले साल, तो उसके लिए आप भी रेडी रहिए और मैं भी रेडी रहता हूँ. पठान भी है, जवान भी है और डंकी भी है, तो मज़ा आने वाला है क्योंकि किंग इज़ बैक. सो चलो चलते हैं हम. तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वापस आऊँगा.